अंगूरी, अरे नाश्ता वास्ता लगाओ भाई, बहुत जोर के भूख लगी है। हाँ ला रही लड्डू के भैया। ऐसे काय घूर रहे हैं, पढ़ाई करवाइए ना। हेलो, हाँ बे भुजंग, हैं 1000 रुपए दे दिए पुलिस वाले को, 200-300 देके निपटा लेता। सर तेरे गुर्दे छील के ना टेम्पू में वो नींबू मिर्ची की तर लटका दूंगा। फुर लट नालायक कहीं का। सही करवाइए ना। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चलो बेटा लड्डू, हमारे निवास स्थल पे पढ़ाई होगी। अरे अंगूरी नाश्ता लाओ भाई, बहुत जोर के भूख लगी है। ला रहे लड्डू के भैया, लीजिए गर्मा गर्म कचोरियाँ। अरे वाह बोली, तुम तो एकदम से तैयार रखती है हमारे लिए सब कुछ है। क्या इनाम चाहिए नए साल पे? आना हम का बोल रहे हैं, नए साल का ना पार्टी रखते हैं। पार्टी? अच्छा चलो ठीक है, आज हमारे खोके मतलब शॉप पे जो भी कस्टमर वगैरह आएंगे ना, उनसे हम पूछ लेंगे कि कौन किसके घर में पार्टी रख रहा है, तो वो उसी के घर चल देंगे पार्टी करने। हमको किसी और के घर ना ही जाना है, हमको अपने घर में ही पार्टी मनानी है। हाँ अरे कौन सा सोने की कचौड़ी खिला रही हो, जैसा काम वैसा इनाम। वैसे भी बात ये है कि हमारे एक ठो दोस्त ने ना नए साल का पार्टी रखा है, इसीलिए हमको भी रखना है। तो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दोस्त के घर आके पार्टी कर लेंगे। नहीं, हम आपको बोले ना, हमको यहाँ ही पार्टी करना है, अब पूरे मोहल्ले को एक्साइट करेंगे। अरे एक्साइट नहीं, इनवाइट होता है पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन तुम गलत पकड़ी हो, ये जो नया साल वगैरह ना हमारे संस्कार नहीं है पगली। हमारा नया साल दिवाली पे होता है, ये अंग्रेजों के संस्कार है, हमारे नहीं है। ठीक है इसलिए हटाओ, कोई पार्टी वार्टी नहीं। मान जाइए ना, बहुत बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा, यहाँ भाभी जी भी तो नहीं है। अक्का अनीता जी का बात कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना है पार्टी से? अरे भाई तुमने खुद ही तो कहा ना कि पूरे मोहल्ले को एक्साइट मतलब इनवाइट करना चाहती हो, तो भाभी जी नहीं होंगी तो फिर काय का पार्टी वार्टी छाटी। लेकिन हटाओ नहीं खाली पूरी पूरी हटाओ। अबे बावले कैसी बातें कर रहा है तू, कसम से कह रही हूँ नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। हाँ कल रात 25 लाख की गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया तू सपने में, तेरी अम्मा की कसम खा कह रही हूँ। हाँ और फिर तू मुझसे बोला कि यार चल नए साल की पार्टी रखिए। देख सूरज, अब अगर सपना सच करवाना है तो तू शुरुआत कर दे, नए साल की पार्टी दे दे। हाँ बस तू पार्टी दे दे। हाँ चखने के चिप्स और भुनी हुई प्याज हम ले आएंगे। कैसी बातें कर रही है यार, अभी कौन तुझे गधा कह रही है? देख सूरज गाली मत दे यार, पार्टी देना दे लेकिन गाली मत दे। देख गलत कर रही है यार तू, हट कमबख्त मारे सत्यानाश और बेड़ा करको तेरा भोतनी के, हट साले। क्रम को ना है क्यों बे लौंडो, तुम्हारे चेहरों पे ये फिटकार क्यों बरस रही है? भैया हमको लगता है कि आबे वाला जो नए साल है ना वो हमारे लिए मातम लाओगे। हर साल 31 की पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से हमें बुलावा आ जाता है, लेकिन इस बार कोई पार्टी के लिए बुला ही ना रहा हो। आईडियार भैया एक काम करो, पार्टी ना आप ही दे दियो। हाँ सब खर्चा आधा आधा बांट लेंगे। हाँ। खाने पीने का सामान आप ले आइयो और गिलास ना हम किसी से मांग के ले आएंगे। हाँ सही कह रही है सेठ जी मलखान, और बाद में बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी हमारी रही। हाँ। अब क्या है सेठ जी, ठंड में ठंडे पानी में आपके हाथ न पड़वाने देंगे कसम से। भैया वो बॉन फायर भी करेंगे भैया, वो क्या कहते हैं आगजनी। और पार्टी के बाद
मैं तुम तीनों को उसी बॉनफायर में, उसी आग में डाल दूंगा। तुमने क्या मुझे कानपुर का सबसे बड़ा बेवकूफ समझ रखा है क्या? सच कहें सेठ जी तो मानते तो यही हैं। वो बात अलग है कि सही से दाना ना फेंका जा रही हमसे। हेलो अनु बेबी, व्हाट यू डूइंग स्वीटी? भाई नमस्ते, नमस्ते, अभी नमस्ते, नमस्ते। लौंडे बदतमीजी नहीं कर रहे, नमस्ते बोल रहे हैं। हाँ बेबी, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड। यू नो, आई एम रियली 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 मिसिंग यू। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ बेबी, कितना मिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक काम करो, नहीं नो प्रॉब्लम, तुम दो दिन और ठहर के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दी नहीं है। इट्स फाइन। हमारे मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी? व्हाट यू टॉकिंग? एक कंजूसों का कुनबा है बेबी, कंजूसों का कुनबा। यहाँ पे लोग भिखारी प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ पे भिखारी हैं बेसिकली। बेबी की शक्लें देखो, ये भिखारी क्या पार्टी देंगे बेबी। अरे हेलो भाभी जी। जी जी जी, तिवारी जी बोल रहे हैं। जी जी, अरे भाभी जी, कौन कमबख्त कहता है कि पार्टी नहीं देंगे? हम है ना भाभी जी, हम देंगे आपको न्यू ईयर की पार्टी, और ऐसी पार्टी देंगे, ऐसी पार्टी देंगे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन भाभी जी, एक शर्त है कि अभी की अभी तुरंत यहाँ आ जाइए। जी भाभी जी। ओके भाभी जी। क्या बदतमीजी, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, I was talking to my wife, अभी इसमें कूद पड़े। मैंने बोला दो दिन के बाद उसको, और आपने बोला आज ही आ जाओ, आज ही आ जाओ। Why? अरे भाई, क्योंकि हम भाभी जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। Excuse me. मतलब आपकी भाभी जी, भाई हम अंगूरी के बिना एक पल नहीं रह सकते। आप पता नहीं भाभी जी के बिना कैसे रह रहे हैं। भैया यू आर वेरी ग्रेट पर्सन, बहुत बड़े आदमी हो भैया आप, बहुत बड़े। कसम से कह रही हूँ, दरिया दिलो सेठ जी, आप दरिया दिल आप। सेठ जी, अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो नए साल की जो पार्टी रख रहे हैं ना, उसमें पहनने के लिए मोजे खरीद लेता मैं। तुझे बुला कौन रिया है बेटे पार्टी में? भैया इसकी छोड़ो, इसकी तो आदत खराब है, अपने आप को ना खुद इनवाइट कर लेते हैं बिना बुलाए मेहमान। भैया आप ये बताओ कि हम लोग का पहने, मतलब का पहने, कुछ अच्छा सा बता दो। सूट वूट का? अबे सपने से बाहर आओ, तुम तीनों को बुला कौन रिया है? पिछली बार तुम तीनों को बुलाया था, साले पार्टी में रायता फैला के रख दिया था तुम दोनों ने। इस बार हम जोड़ों में बुलाने वाले हैं बेटा, नर और मादा। और अगर जोड़ों में नहीं आए ना, तो फिर बेटा जोड़ों से ही मारेंगे, समझे? और भभूति जी आप भी आइएगा, लेकिन सिर्फ मादा, मतलब बाबा जी के साथ, ठीक है? चलिए, मैं तो फिर मरी। ठीक है लौंडो, फिर कल इसी वक्त मिलते हैं। क्यों सेठ जी? फिर तुमको पार्टी के किस्से सुनाने होंगे, जलाना होगा। अगर जलाऊंगे नहीं तो मेरा नया साल शुरू कैसे होगा? किसी ने कुछ कहा? रिमेम्बर, नर प्लस मादा कपल। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली। भाभी जी एक नजर इधर भी। का बात है भरभूति जी, आज तो बहुत डार्लिंग लग रहे हैं। अभी जिंदगी में पहली बार आपको करेक्ट करने का दिल नहीं कर रहा। एनीवे, आप वो डैशिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अफसोस की क्यों पकड़े हैं, खैर अपने इन गुलाब के पकड़ियों से कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। आप क्या बोले? मैंने कहा कुछ हमारी तारीफ कीजिए, से समथिंग भाभी जी, फॉर गॉड्स सेक्स। क्या तारीफ करे, हमको पता तो चलना चाहिए आके आप कहाँ जा रहे हैं, किस मौके पर जा रहे हैं। भाभी जी हम आपके आ रहे हैं पार्टी पे आज रात को। क्या बात करे, हमारे घर? हाँ? कौन सा पार्टी है? लड्डू के भैया ने आज रात को पार्टी रखी है, न्यू ईयर पार्टी, आपके घर पे, मतलब आप दोनों के घर पे। क्या बात करे हैं जी? और लेकिन हमको तो बोले कौन पार्टी वाल्टी ना रखेंगे। आपको सरप्राइज देना चाह रहे हो मे बी? हाँ वो हो सकता है। वैसे भाभी जी पार्टी में आप क्या पहन के आएंगे? आप वो काली साड़ी पहनिएगा जिसपे सितारे लगे हुए, कमाल लगती है भाभी जी आप उसपे, कमाल लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई एंजल उतर के आ रही हो। व्हाइट कपड़े की जगह
ब्लैक कपड़ों में, जस्ट लाइक एन एंजल। यस, अब का बोलते ना, हमरी कछु ना ही समझ आता है का कब। अब और जहाँ तक सवाल हो काली साड़ी का है ना, वो हम ना ही पहन सकते हैं। कहा है कि वो जो साड़ी है ना, वो लड्डू के भैया को बिल्कुल पसंद ना आई है। ओके, नेवर माइंड, नॉट ऑलराइट। आप लाल साड़ी पहन लीजिए, दैट्स आल्सो वेरी नाइस, कमाल लगती है आप उसमें भी। वो वाला लाल कुछ नया खरीदे हैं। यस, ठीक बा, वो हम पहन लेंगे। हां, हाय दिया, वो भी ना ही पहन सकते हैं। क्यों, व्हाई? कहा है कि वो जो रंग है ना लड्डू के भैया को चुभता है। लड्डू के भैया हमारी आंखों में चुभते हैं। भाभी जी, आप कोई भी साड़ी पहन लीजिए, आप कोई भी साड़ी पहनेंगे आप उसमें माल लगेंगे, मतलब आप उसमें कमाल लगेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं? बी भाभी जी, बी ऑनेस्ट, एक गिव मी ऑनेस्ट ओपिनियन। हाँ ठीक बा, लेकिन लड्डू के भैया को हम बोलेंगे कि पार्टी में ना सूट बूट पहने। हाँ, कहा है कि जो भी मर्द सूट बूट पहनते हैं ना, हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए चलते हैं, कहा है कि लड्डू के आने का टाइम हो गया ना स्कूल से। चलिए भाई भाई। सर, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गई, काफी पैसा खर्च हो गया मेरे का। ओके सुनो, आज रात का कर रही तुम? शर्मा जी ने भजन गाने के लिए बुलाया है। क्या कह रही हो, तुम पे सूट ना कर दो, जो सब छोड़ो। अजी हुजूर, यही तो कह रहे हैं हम। आपको तो पता है ना, गुलफाम गली का मॉल सिर्फ रात को ही खुलता है। अरे अबे, जो मॉल वॉल बंद रखो, एक काम की बात सुनो, भैया तिवारी कहाँ पार्टी है, हम सोच रहे कि तुम हमारे साथ चलो तो मजो आ जाएगा। हैं, ऐसे चलिए। चलोगी? अरे यार, जो काम है। गुलफाम तुम्हारे साथ नहीं, गुलफाम पार्टी में मेरे साथ जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। नहीं, तू कैसे बोलो, पार्टी की बात बताई कौन ने है पहले? बताने से क्या होता है? बताने से कहो तो का मतलब? सुन, ज्यादा चबड़ चबड़ न करनी, सारे पार्टी तो बाद में जाएगो, सारे मोहल्ले में ना घुस पाएगो, पूरे मोहल्ला में घुसने से पाबंदी कर देंगे। कोई बात नहीं, हम नई कॉलोनी खरीद के गुलफाम को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। पैसा पैसा की सुना रहे हो, पैसा है पैसा है, सारे जात पैसा की बना बत्ती अपनी, तो दिमाग खराब है। कैसे बात कर रहा हो? जो सुनिए तो, कहाँ है पैसा? रुक जाइए, क्यों झगड़ रहे हैं? आप दोनों को तो पता है ना, गुलफाम कली कभी किसी एक की तो होकर रहेगी नहीं। तो एक काम कीजिए, आप हमें आधी आधी समझ लीजिए। लेकिन काटेगा कौन? अजी हुजूर, हमारे कहने का ये मतलब है कि पार्टी में हम आप दोनों का जोड़ा बनकर जाएंगे। ऐसा करो, चार बोतल भिजवा दो, और चार खाली बोतल भी भिजवा देना, चार की आठ हम कर लेंगे। ठीक बा। क्या बात है पगली, ऐसे टकटकी लगा के काय देख रही थी है? क्योंकि हमको पता चल गया है। क्या पता चल गया? देखो अंगूरी, तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हम कभी कभी भाभी जी को। ये भाभी जी बीच में कहाँ से आ गई? तुम किसकी बात कर रही हो? हम पार्टी का बात कर रहे हैं, हमको पता चल गया है कि आप हमको सनराइज पार्टी देने वाले हैं। सनराइज नहीं, सरप्राइज पार्टी होता है पगली। ऐसे पकड़े हैं आप हमको, पहले कहा है मना कर दिए, हाँ उसके बाद अचानक से पार्टी का प्रोग्राम बना लिए। नहीं नहीं, वो आने वाली है ना पगली, वो कौन आने वाली है? नए साल की नई सुबह, वो आने वाली है ना, तो उस उपलक्ष्य में हमने जोरदार पार्टी का आयोजन किया है, शानदार पार्टी देंगे। लेकिन हमने सबसे कह दिया है कि जो आएगा जोड़े में आएगा, और छड़ों को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा किए आप। हमको एक बात तो बताइए, हमरे हीरो, आप वो पार्टी में क्या पहनेंगे? पैजामा कुर्ता पहन लेंगे। हाय दिया, अब पार्टी में पजामा कुर्ता कौन पहनता है? आप ना ऐसे सूट बूट पहनिए। हाँ देखो पगली, सूट पैंट तुम्हें अच्छा लगता होगा, कुछ लोग हैं जिन्हें पजामे कुर्ते में ही अच्छे लगते हैं। हाँ तो आपको किसी और के बारे में सोचना है कि अपनी बीवी के बारे में? अब जब हम आपको बोल रहे हैं कि सूट पहनिए, तो फिर सूट ही पहनिए। हाँ अच्छा भाई, जो कह दिया सो कर लेंगे, पहन लेंगे। क्या खाने में क्या बनाओगी आप बताइए ना, क्या बनाए?
छोले भटूरे बना लो। दिया। उसे तो गैस हो जाता है। तो ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए सो बना लो। नहीं नहीं, आप बताइए क्या बनाएं। शाही पुलाव बना लो। रात को चावल खाने अच्छा नहीं होता है, लोग ना ही खाते हैं। अरे भाई, तभी कह रहे हैं ना, जो तुम्हारे मन में है सो बना लो। नहीं नहीं, आप बताइए ना क्या बनाएं। भरवा बैंगन बना लो। इका अजीब सा बात कर रहे हैं। हाँ, लोग नए साल की रात को हमारे घर आएंगे और उनको हम भरवा बैंगन खिलाएंगे, अच्छा लगता है का? अम्मा जी, अहिला अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। आहा जुगजुग जी उम्र बच्ची, अब बताओ का हाल चाल है, का चल रहा है, है? अम्मा जी वो नए साल का पार्टी दे रहे हैं लड्डू के भैया, वो का ही तैयारी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, घर में नया साल का पार्टी रखी हो, तो फिर हम भी आएंगे जरूर से। हाँ भी आएंगी। सुनो, अम्मा से कह दो कि जो भी आएगा जोड़े में आएगा, और जोड़े में नहीं आएगा तो दफा करवा दिया जाएगा। अम्मा जी, ओ लड़की के भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सुन लिए हैं। बोल दो बैल से कि हम जोड़े से ही आएंगे। दिया, आप किसके साथ आएंगी? बोल दो कि हम पंडित रामफल के साथ आएंगे जोड़े से। ठीक बा अम्मा जी, पंडित रामफल के साथ आ जाइए। तब तक हम शाम का सब तैयारी कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक बा, कॉल रखते हैं, प्रणाम, जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। अम्मा जी, मर गया रे। यार मेरा तो दिमाग भिन्नोट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब नए साल की पार्टी में छोरियां कहाँ से लाएंगे, किसके साथ जाएंगे। यार बहुत देर हो रही है, अब तक रिक्शा वाला नहीं आया, मालूम नहीं सारू कहाँ मर गो। यार मैं पूछता हूँ उससे नए साल की पार्टी के लिए। हाँ, ओल्ड ओल्ड मैन, मैं पूछ रहा हूँ ना यार। हाँ, तुम चिंता मत करो, देखो कैसे बात की जाती है, देखो जरा। ऑल द बेस्ट टीका, हे डार्लिंग, सारे झंडे से काट दियो। ब्यूटीफुल, हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स। यस गर्ल्स, आज रात को तुम मतलब हमारे साथ बिताना चाहोगी रात? I like it. ओपन। अब देखो मेरी जान, तिल्लो का स्टाइल कैसे करते हैं सेट, बाउंसर मारने जा रही हूँ। अच्छा, बाउंसर मार का है? यस। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि नए साल की पार्टी होने जा रही है जिसमें सिर्फ कपल को एंट्री करने देते हैं, तो हम चाहते हैं कि नए साल की पार्टी में आप तीनों हमारे साथ चलें। सोच लीजिए, यू हैव टाइम, और रात का 100-100 रुपए चाय पानी, मेरा मतलब है अलग से दिए जाएंगे ऊपर से। वाओ, सेट है भाई, सेट है। यानी कि मैं आप तीनों की हाँ समझू? क्यों नहीं सरिता, ये पकड़ो। I like it. बैठ जा, सारे बैठ जा। सुन, अब तुम्हारे भाई जा रहे हो, अब देख लीजो बेटा, ऐसा जाऊंगो और जू आऊंगो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वाह, जाओ आप भी। आइए आइए मलकान। ओहो, मजा आ गया। एक्सक्यूज मी, वाओ जैकपॉट।
जालिमो, मुंह की तो बात ही ना सुनी, मेरी फिल्म का पोस्टर तो यार लगने से पहले फट गो। मोरी मैया। अच्छा सुनो लांडो, एक बात बताओ, ये जो तुम लोगों के छछुंदर जैसे चेहरे हैं, इन चेहरों पर फ्री में फोकट में इतने अच्छे अच्छे थप्पड़ उन लड़कियों ने क्यों मारे? अरे सक्सेना जी, वजह ये है कि तिवारी जी के यहाँ नए साल की पार्टी है और वहाँ पर कपल एंट्री है, बस हम तीनों चाह रहे थे कि लड़कियाँ सेट हो जाएं, अब सेट कर दिए गाल पे थप्पड़ जड़ के। है ना भैया, समझ में ना आ रहा है कि छोरियां कहाँ से लाए हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। इधर आया। I like it. वाह, क्या बात है, है? क्या बढ़िया घर सजाया अंगूरी ने। वाह, लड़के भाभी जी घर पर हैं? लगता भाभी जी भी आई है। आई लड्डू, चड्डी पहना छोड़ दिया तूने आजकल, गुड। भाभी जी नहीं दिखाई दे रही? अनिता रास्ते में है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आ रही, शी इज़ ऑन वे। आ तो जाएंगी ना। आपको बड़ी चिंता हो रही है, फिर भी मेरी चिंता आपको हो रही है। आ तो जाएंगी। हाँ आ जाएंगी, ऑफ कोर्स आ जाएंगी यार। देखिए चिंता हमें आपकी ज्यादा है, क्योंकि छड़े लोगों का प्रवेश नियम कायदे के अनुसार वर्जित है, उन्हें लतिया के बाहर निकाल दिया जाए। छड़े तो आप भी लग रहे हैं, काय बीवी आपकी, ये नियम तो आप भी लागू होता है। हम यहाँ हैं। हमारे लड्डू के भैया कितने खुश हैं, देखिए। भाभी भैया, I like it. हेलो भैया, हाउ डू यू डू। भैया आपने कहा है तो ना कि अपनी गर्लफ्रेंड साथ में लेकर आओ, तभी घुसने देंगे, तो मैं लेकर आ गया हूँ भैया। जाको नाम है सक्सेनी। आई लाइक इट। पट देंगे खेच के, समझे? साले 2020 में जाके गिरोगे सीधे। किस एंगल से सक्सेनी है? सक्सेना है ये, सक्सेना। भैया जी दिल से महिला है और अंदर से कंप्लीट लड़की, और बाहर जो भी हो है, शरीर से क्या करना है आपको, कछु करना है क्या आपको शरीर से? एक वो डार्लिंग, क्या बकवास बंद करो, चलो अंदर आओ डार्लिंग। आओ। एक्सक्यूज मी। प्रणाम भाई माँ, प्रणाम विभूति भैया। नमस्ते भैया। आप खुश रहिए। सक्सेना जी आप ऐसे? भैया सक्सेना नहीं है ये, सक्सेनी है। धीरे बोलो, आप भैया को पता चल गया तो लात मार के बाहर निकाल देंगे हमको। नहीं नहीं इना ही निकालेंगे, कहा है कि नियम तो ई है कि जोड़े से आना है, और आप जोड़े से ही तो आए हैं। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हम बस अभी आते हैं। ओके भाभी जी। टीका तुम्हारा जोड़ा घोड़ा है भैया, जो ऊपर से घोड़ा है अंदर से तो घोड़ी है। मेरे आई डाउट इट। आ गई भाभी जी। What's wrong with this man? ये पगला गया है क्या? भाभी जी,
भैया जे जे मेरी गर्लफ्रेंड टिल्ली आ गई। अबे तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या है? तू कह देगा और हम मान लेंगे है? तुम वही सेठ हो ना जो मेरे भैया की तनख्वाह डकारे बैठे हो। हुँ? कसम से कह रही हूँ, अगर मैं अपने भैया की जगह होती ना तो तुम्हारे गुर्दे पकड़ के झूल जाती। हाँ है टिल्ली, अब वो देख तेरी सहेली आ रही। आ जा। Hi, Sahi. How are you? I'm fine, Saheli. I like it. Hello, Anu baby, what's up? मैं पार्टी में हूँ तभी तो विस्तार में बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हो ना? What? तुम्हारी ट्रेन कैंसिल हो गई? यार ट्रेन को भी आज ही कैंसिल होना था। सुनो कल आ जाओगी ना? ओके, I'm really missing you. I love you, baby. I love you, sweetie. क्या? भाभी जी का फोन था? हाँ। मैं अनु से ऐसी बात करूँगा। धूमन सुधर से बात करूँगा नहीं? ओ, नहीं। तो क्या 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 बताएँ? कब तक आएँगी? अरे, she is coming on over. She is on over. चलिए अच्छा है। नहीं, 100 साल उम्र है भाभी जी की। चलो गुल्लू हैप्पी न्यू ईयर। खड़ी हो जाओ गुल्लू, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पापा। हैप्पी न्यू ईयर भाईजान। घूरता क्या है बे? अरे रे 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 रे, माफ करिएगा तिवारी भैया, वो क्या है आपने बोला था ना कि आप सबको जोड़े में ही आना है, तो आज मेरी जोड़ी इनके साथ है। चलो अरे अरे खोलो खोलो भाई। अरे मास्टर जी आ गए, ये मेरी जोड़ी दार है। जुग जुग जियो लड्डू बेटा, जुग जुग जियो। क्या बात है, सारे लोग सज धज के आए। हेलो मास्टर जी। नमस्ते। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे यार सब आ गए लेकिन भाभी जी नहीं आई जिनके लिए पार्टी रखी है। भाभी जी आपके हाथ में स्वाद के साथ साथ अरोमा भी है, खुशबू भी है। आप थक गए होंगे ना, सुबह से काम कर रही है ना आप। हदिया क्या बोल रहे हैं, आपको तो पता है कि खाना बनाने में ना हमको बहुत ही मजा आता है। जब भी हम खाना पकाते हैं ना तो बहुत बहुत हॉर्नी हो जाते हैं। भाभी जी वो हैप्पी होता है। सही पकड़े हैं। भगवती जी सुनिए, अरे सुनिए हमारी बात तो सुनिए। भगवती जी अबे ठीक है, तू तो कमाल लग रहा है, ब्लैक सूट में ब्लेंड हो गया तू से। थैंक यू। मंगते तू किसके मांग के लाया सूट ये है? बेकारी गई है। अरे छमिया लो। और मैं कैसी लग रही हूँ? बच्चों डराने का काम आएगी तू तो। भगवती जी और अपो सिंह जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक है ना यार, अभी तो मिले थे आधा घंटा पहले। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं भगवती जी, यार आपने कहा था भाभी जी आएंगे, अब तक आए का ही नहीं यार। यार आ जाएंगे, असल में क्या हुआ कि रिक्शे से वो आ रही थी तो सैंडल है उसकी, जो उसकी हील है ना वो टूट गई। अरे यार आप इसलिए वो लेट हो गई। इस तरह के वाहियात आदमी हैं आप यार। भाभी जी जो परेशानी में, आप जो हम अपने मेथी के पकौड़े खा रहे थे वहाँ पर। एक्सक्यूज मी, मैंने आपका स्नैक एक भी छुआ नहीं अभी तक, माइंड यू आई हैव नॉट टच योर स्नैक टिल नाउ।
ये कहने से आपका गुनाह कम नहीं हो जाता समझे। हम अभी इसी वक्त भाभी जी को नया सैंडल देकर आते हैं। अरे तिवारी जी, घर तक पहुंच गई है, आती होगी 5-7 मिनट में। इतने क्यों उतावले हो रहे हैं आप यार, जस्ट टेक इट इजी। तो भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग एक खेल खेलते हैं। हम एक खेल खेलते हैं कि हम दो बोल लेंगे, उसमें एक में डालेंगे पर्ची हम मेल मेंबर्स की, एक में डालेंगे फीमेल मेंबर्स की। फिर एक पर्ची यहां से उठाएंगे, एक पर्ची यहां से उठाएंगे, दो नाम निकलेंगे, दो नाम निकलेंगे, वो जोड़ी बनेगी और वो जोड़ी डांस करेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अब मैं सबके नाम के एक एक करके चिट निकालूंगा। और मर्दों में से पहला नाम निकला है विभूति भैया का। ओ भैया भैया। और अभी दूसरे बॉल से नाम निकला है भाभी जी। अब बारी है नेक्स्ट चीट की। और नेक्स्ट चीट में नाम निकला है तिवारी भैया का। ओ लड्डू सुनो, हमारा नाम निकालो। ठीक है भाभी माँ। नो भाभी जी, नियम के हिसाब से जो निकलेगा निकालो भाई, निकालो। और इस बार नाम निकला है दिल्ली का। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, इस सड़क पर नखरा दिखाए, हो करके इशारे हो लड़की ही, हो लड़की ही, हो लड़की आंख मारे, आंख मारे, हो लड़की आंख मारे, आंख मारे, हो लड़की आंख मारे। बहुत अच्छा नाचे। अब अगला नाम जो चिट में निकला है वो है मास्टर जी का। संस्कार। अब देखें इनके संस्कार के कपड़े कौन फाड़ती है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। और अब जो मास्टर जी के साथ डांस करेगी वो है नर्स आंटी।
अभी जी सिर्फ आप रह गए तो नए साल की मुबारक शुरुआत प्लीज आपसे। लेकिन हम तो अकेले नाचेंगे। अभी जी अकेले काफी हैं आप। हम आपको बुलाएंगे तो आ जाइएगा। अभी हम भी आ जाएंगे। हाँ ठीक बा। नमस्कार।
दारोगा जी, आप मुझे हॉट कर रहे हो। और बुरी भाभी हॉट हॉट होता है, सही पकड़े हैं। बस हो गया, इट्स ओके, इट्स फाइन। सो लेडीज जेंटलमैन, 12 बजने में और नया साल शुरू होने में 10 सेकंड्स बाकी हैं। तो लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। एक मिनट यार, भाभी जी तो अभी तक नहीं आई। चिंता मत कीजिए, आ जाएंगी, शी इज ऑन अवे। पर अगर भाभी जी नहीं आएंगे तो क्या नया साल नहीं आएगा? व्हाट आर यू टॉकिंग? सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। अंधेरे होते ही मैं नर्स को चूम लूंगा। अंधेरे होते ही मैं गुल्लो को चूम लूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and Happy New Year! Happy New Year! संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आई लाइक इट। हम पीछे कूद गए थे और ये आगे कूद गए। बताओ ससुर, अंधेरे में आइडिया ना लगो कि जी दो फ्री बैठी नहीं, हम ही ने पट ली थी। अगर भाभी जी को फोन मिलाते। हेलो भाभी जी, हेलो, कहाँ रह गई भाभी जी? देखिए, अब
नया नया साल शुरू भी हो चुका था, आपने कहा था कि आप आएंगी, आप तो आ ही नहीं है। भभूति जी ने हमें कहा कि आप बस शाम को पहुंचने वाली है, हम आपका इंतजार जी क्या ठीक है भाभी जी, नए साल की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। भाभी जी फिर खाना लगाइए, बड़ी भूख लग रही बहुत। कोई खाना माना नहीं, कोई खाना माना नहीं, चल निकलिए यहां से, चल चलिए निकलिए। क्या कर रहे लड्डू के भैया? हां वो हमारे घोस्ट हैं भाभी जी, वो गेस्ट होता है। सही पकड़े हैं, वो हमारे मेहमान है, ऐसा काहे कर रहे हैं आप? अरे कोई मेहमान मेहमान नहीं है, अरे रात से हमें बेवकूफ बना के रखा कि भाभी जी आ रही है, भाभी जी आ रही है। कहां से आ रही भाभी जी? भाभी तो शहर में है ही नहीं। चाय पी ले भैया, मलखान की है, बादाम पिस्ते गिरे हुए दाम में। अबे यार मुझे ना पीनी, कल रात कंजूस सेठ के जो पकवान खाए थे ना, कसम से कह रही हूँ यार वो स्वाद जो है ना चाय धोकर रख देगी, इसलिए मुझे ना पीनी। हाय हाय जाले सारा सही कह रहे हो, मजे में आ गए थे यार। भैया मो के हिसाब से ना हफ्ते में एक बार नया साल आना चाहिए, जाब आने से ना भैया हर हफ्ते बढ़िया सा खाना खाने को मिलेगा यार। कर दी ना गधे की जात वाली बात, इसीलिए हमें कोई नहीं पूछता। अबे शर्म करो, नया साल आ रही है और खुद को देखो। भैया मैं तो कह रही हूँ इस नए साल में हमें अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है, वरना कसम से कह रही हूँ जिंदगी भर बस लोगों की गालियां खाते रहेंगे। क्या बदलाव लाए? तोता कबूतर बन जाएंगे हम? सारे करवे दातन को बाहर मत ना निकाले, टिल्लू एकदम सही बोल रहे है। नए साल में भैया अपने अंदर ना बदलाव करना बहुत जरूरी है। भैया कहे पंचायतें चल रही? अरे यार सुनो, अरे लौंडो तुम तीनों की जो जवानी जो है ना सारे तुम्हारी जान लेके मानेगी, तुम सारे सुधरोगे कौन? तुम तीनों कुत्ता की बपूछ हो जो 12 साल नली में डाल कर रखो और फिर निकारो, सारी टेढ़ी की टेढ़ी, और जो बीच वालों लौंडो जाके तो सारी की 15-20 साल डाल दो तो टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसी बात ना दरोगा जी, अगर मौका मिले ना हम तीनों को तो हम बहुत कुछ कर गुजरने का दम रखे। ना ना लौंडे जय तो गलत फहमी है तुम्हें, तो हम बता रहे अगर कांटों को मौका मिल जाए ना तो भी स्वेटर बुनने वाली सलाई न बन जाते, समझे? और तुम सारे पजामा से ना बाहर न करो, नहीं तो इतनी परेड करा देंगे। बात कर रहो? किसकी परेड कराने का विचार चल रहा है? अरे भैया तिवारी तुम, अरे इनकी छोड़ो, इन पे 1 सेकंड बर्बाद करना बेकार है जिंदगी को। तुम हमारी सुनो यार, तुमने कल का पार्टी दे यार, मजा आ गो, हमने इतना पील पील खाओ ससुर, मजा आ गो, का खर्चा करो तुमने, नोट नोट उड़ा दे। हाँ सही बात है, वैसे भी दूसरे के खर्चे पर मलिदा पिलने का आनंद भी कुछ और होता है। क्यों बे? अरे नहीं नहीं वो तो है, सुनो यार लेकिन एक चीज हमें रह रह के याद आ रही थी, अब वो हमारी गोरी मैम, भाभी अंगूरी ने क्या खाना बनाओ तो गोरी मैम को हम इतना मिस कर रहे थे, बेहोती खाती आनंद आ जाता, उनकी बड़ी याद आ रही थी। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है सेठ जी, रात के पकवान तो बचे होंगे, अनीता भाभी के लिए ले जाओ, वो आई हुई है। हाँ हाँ भैया, भाभी जी को मैंने ना बरामदे में खड़े तो देखो। क्या बात कर रहा हूँ लौंडे, गोरी मैम आ गई? चाय बनाओ, एक अदरक वाली बढ़िया। भाभी जी आ गई, भाभी जी। मीनल तुझे पता मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की ना पूरी किताब पढ़ ली है, अब मुझे सब कुछ आ गया है, I'm so happy। अरे तुझे तो पता ही है ना कि बचपन से मुझे टैरो कार्ड रीडर बनने का शौक था, मेरा सपना था, याद नहीं है? भाभी जी घर पर है? अच्छा सुनो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके आई आइए तिवारी जी, तिवारी जी आज आप ना इतने सही वक्त आए ना, मैं आपको क्या बताऊं, आप अपना टैरो कार्ड निकालेंगे? भाई जी हमारे पास तो सारे कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये क्या सरकार ने कोई नया कार्ड निकलवाया?
बात तुम्हारे की तिवारी जी। अरे मैं टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर रही हूँ। ये वो कार्ड्स हैं जिनसे आपका भविष्य पता लगता है। आप एक कार्ड निकालेंगे तो मैं आपको आपका भविष्य बता पाऊंगी। तो ऐसा कहिए ना कि ये मिट्टू ज्योतिष विद्या है। What? अरे भाभी जी वो चौराहे पर नहीं बैठा रहता वो आदमी वो टैरो कार्ड मतलब पैरेट कार्ड लेकर जिसमें एक तोता जो है वो कार्ड निकाल कर बताता है कि किसका क्या भविष्य होगा। आपका तोता कहाँ है? मतलब भगवती जी तिवारी जी आप है ना, पर ये कोई आपका ये मिट्ठू कार्ड नहीं है। ऐसा कोई तोते का गेम नहीं खेल रही हूँ मैं। अरे ये एक्चुअली सच में भविष्यवाणी बताता है। आपको मालूम है विदेशों में कितना पॉपुलर है ये टैरो कार्ड रीडिंग? आप निकालिए, मैं आपको ना आपका भविष्य बताती हूँ। चलिए आपने सीखा तो फिर बढ़िया ही होगा। ऑफ कोर्स, आप देखिएगा मैं पूरे भारत की नंबर वन टैरो कार्ड रीडर बन के दिखाऊंगी। जी वैसे ये कार्ड देखकर हमें तीन पत्ती खेलने का मन कर रहा है। छिछोरा आदमी एक नंबर का। पर जब कब सीरियस होंगे? भाभी जी हम सीरियस हैं, सीरियस हैं। क्या है कि आज पहली बार अपना भविष्य आपके हाथ में देखकर एक अजीब सी गुदगुदी सी हो रही है। सीधे बैठिए, दिस इज वेरी सीरियस। अब इनमें से एक कार्ड चुनिए। ओके दूसरा चुनिए, तीसरा चुनिए। ओह माय गॉड क्या हुआ भाभी जी, हमारे वैवाहिक जीवन के अलावा भी कहीं नैन मटक्का के चांसेस दिखाई दे रहे हैं क्या? बड़ा गंजे को नाखून नहीं मिले वरना खुजला खुजला के मर जाता। अरे नहीं तिवारी जी बात समझिए पहले। देखिए ये ना आपका पास्ट है। अब पास्ट तो खैर जैसा भी है वो तो दिख ही रहा है, छोड़िए इसको। ये आपका प्रेजेंट है, हाँ ये ठीक ठाक ही है। लेकिन ये जो है ना जो बीच का कार्ड है ये आपका फ्यूचर है। और इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अजीब सा कार्ड है ये। क्या हुआ, हमारे सींग निकलने वाले हैं या पूंछ निकलने वाली है? तिवारी जी कैसे बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है। तिवारी जी एक्चुअली इस कार्ड के हिसाब से ना, तिवारी जी आप इस कार्ड के हिसाब से बहुत सारे लोगों के सामने निवस्त्र होने वाले हैं। भी नहीं कही ऐसी अश्लील भविष्यवाणी कर रही हैं आप? मैं क्या करूं, आपके कार्ड में यही निकला है, यही आपका भविष्य है। भाभी जी बुरा मत मानिएगा, आज पहली बार हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये जो ज्योतिष विद्या है ना ये झूठी साबित हो। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अन्नू का ये सपना तो सच होकर रहेगा। तिवारी जी तैयार हो जाइए कानपुर की खजुराहो की मूर्ति बनने के लिए। ये क्या किया आपने? You want me to say sorry? I'm not sorry. ये क्या बदतमीजी है? देखकर नहीं चल सकते थे आप? मैं देख के चल रहा था, देबल्ले देख रहा था कहीं गिर ना जाए। आप बीच में कहां से आ गए? आप भी देख सकते थे, आपकी आंखों में क्या गुलाब जामुन लगे या रसगुल्ले लगे? हम भी देखकर ही चल रहे थे लेकिन आप पता नहीं बीच में कहां से आ टपके। एक्सक्यूज मी, आपको मेरे देबल्ले की खुशबू आ गई और आपने अपना मुंह दे मारा इन पे।
आपके 2 रुपए के हाफ दही भल्ले के पीछे हम 3,000 की शर्ट खराब नहीं करेंगे, समझे? आप लालची आदमी हैं, आप एक चवन्नी के लिए गटर में उतर सकते हैं। अगर आपकी चाय में मक्खी घुस जाए तो मक्खी चूस के चाय का और मक्खी का टेस्ट दे सकते हैं। यू आर दैट चीप। अरे जाइए, आप जैसे बेहुदा आदमी से बेहुदा हरकत की उम्मीद की जा सकती है, समझे? जाइए। ये देखो भाभी जी, पहले आप अपने पति को ले जाइए और गुसल खाने फेंके जाके। काय नहलाना चाह रहे हैं आप हमें? नहीं नहाएंगे हम। दिया, आप लोग काय काय इतना झगड़ते हैं, हमरी तो कुछ समझ ही ना ही आता है। फीस और हारमोनियम में ना ही रह सकते हैं का? भाभी जी, फीस नहीं वो पीस होता है, और हारमोनियम नहीं हार्मनी होता है। सही पकड़े हैं का? शांति से और प्यार मोहब्बत से ना ही रह सकते हैं आप दोनों? भाभी जी, मैं प्यार मोहब्बत से रहना चाह रहा हूँ, आई हैव नो इश्यूज, लेकिन पहले इस आदमी को नहलाइए धुलाइए। अरे आप हमें नहलाने के चक्कर में काहे पड़े यार, हम मुंह धो के काम चला लेंगे। क्या बोल रहे हैं? छी, कितना खट्टा खट्टा बदबू आ रहा है, चलिए नहाइए, चलिए चलिए। क्या करते हैं लड्डू की भैया? तिवारी जी, अब आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके तोते उड़ जाएंगे और पत्ते खुल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लेट्स खड़क इट। यार बड़ी बोरिंग सी हो गई जिंदगी। हाँ यार, खुशबू से आ रही है यार। एक्सक्यूज मी भैया, आज तो कोई कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। एक बात तो बताओ, सेंट तो बहुत जोर को लगा रखो है। तिवारी जी, कमाओ तिवारी जी, आगे आगे तिवारी जी। मैंने कहा आग लगी भागो। कुछ समझ में नहीं आ रही भैया कि नया क्या करें इस नए साल में। मैं तो कहता हूँ टिल्लू, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने देते हैं। दरोगा जी की बात याद ना है कि हम तो कुत्ते की पूंछ है, हम सीधे ना हो बेवारे। और अगर कुछ करने भी जाओ तो जो दरोगा हौसले के तालाब में बुलबुले उठने से पहले फोड़ देते हो सारो। यार पता नहीं तो हमसे का दुश्मन नहीं है, बाकी ऐसा लगता है कि भगवान ने है ना दरोगा जी को नीचे हमें नीचे दिखाने के लिए भेजो है। मनी, अबे संभाल के बैठ, एक आइडिया आया है। क्या? यार ये बताओ कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट, खड्डा, खाई, चट्टान, आग का दरिया कौन है? जल्लाद हप्पू सिंह। बस जब दुश्मन काबू से बाहर जाए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ हप्पू सिंह से वाधी के लट से दोस्ती, सर दिमाग खराब हो गए भैया। इससे अच्छा है ना अपनी जेब में ना सांप लेकर घूम लेंगे हम। फालतू की बकवास कर रहे हो सारो। अबे बावले, हम सच्ची की दोस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, मतलब की दोस्ती कर रहे हैं। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोस्त दोस्त के ही काम आता है, पहुंच जाएंगे मदद के लिए। तू तो सारे ऐसे बोल रहे हो कि जैसे दरोगा जी है ना दोनों बाहें फैलाए बैठे कि कब ये तीनों मुझे अपना दोस्त बनाए और ये जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाए। देख ये सब बातें मुझ पे छोड़ दे, बदबू से आ रही तुझे? बदबू आ रही? और भैया लोंडो क्या चल रही पंचायत? पानी खत्म हो गया दादा। बस दरोगा जी, दरोगा जी एक चाय पी
वंटी। तुम हमारी बारात में आए हो का सारे? करोगा जी, आज कुछ अलग से लग रहे हो आप। मतलब मिसेस मित्तल दरोगा जी के बारे में गलत ना कह रही थी? कौन मिसेस मित्तल का कह रही थी? अरे वही जो तीन गली छोड़ के चौथी गली में रह हैं। जो गली आपके इलाके में आती ना, फिर भी आप वहां के राउंड लगाओ। अच्छा, का कह रही थी मित्तल? यही कि दरोगा जी जो है ना, दिन ब दिन चमकते जा रहे हैं, चमकते जा रहे हैं। हमारे बारे में कह रही? सुनो, एक चाय बढ़िया सी अदरक वाली। हाँ, और रहने दो दरोगा जी, हम छोटे लोग कहाँ आप हमारे साथ बैठ के, मतलब गलत सोच। तुम सारे रुको ना, हो बनाओ तो मैं क्या, तुम गलत दिशा में जा रहे। हाँ। आओ हमारे पास आ रही हूँ। आओ देखो, कहो तुम लोन दे। यही तो सोच खराब है, तभी तरक्की ना हो रही। ना छोटो हो तो है ना बड़ो, सब दिल के राजा हैं, समझे? अपने का कम ना समझ लो। अब बताओ आगे क्या कह रही? यही कि आपकी जवानी की गाड़ी रिवर्स गियर में जाती हुई सी लग रही है। मतलब जवानी लौट के आ रही है। मैं तो फेल गया। हाँ, मैंने तो झाड़ दिया उन्हें। मैंने कहा हमारे दरोगा जी की जवानी गई कब थी जो लौट के आएगी? बदतमीज कहेंगी लड़ी फूल। हम तुम्हें सतोर ऐसी आवारा लफंडरा समझत रहे। हम कबू समझ ही ना पाएगा तुम्हारे अंदर सारे। इतनो प्यारे महिला ने। अब तुम सुनो, अपने आप के अकेलू ना समझियो कबू। आ जाओ तुम, आ जाओ। वो चाय बना यार जल्दी। दरोगा जी, आप इंसान के रूप में फरिश्ते आ गए। तुम भी तो अपनी हो। एक 500 रुपए दे दो, जरूरत आ गई। हाथ अलग कर। हाँ। मर गए। अरे तुम्हें हम दे रहे, रुको। चलो ठीक है। लड़के भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया, सामने ही तो खड़े हैं, फिर काहे पूछते हैं ऐसा? अच्छा लगता है कि हम पूछे भाभी जी घर पर हैं और आप कहें कि सामने खड़े हैं। ऐसा लगता है बिना आगरा गए हमने ताजमहल देख लिया। मतलब ये हमने खुद ही बोला और खुद ही समझ लिया। अभी ये तिवारी जी दिखाई नहीं दे रहे, मर गए क्या? मतलब तिवारी जी नहीं दिखाई दे रहे? वो का रसोई में होते हैं ये वक्त। वो तो अपने खोके मतलब साफ पर गए ना। अभी जी मानना पड़ेगा, अगर बेशर्मी में कोई डिप्लोमा डिग्री होती तो तिवारी जी को मिल गई होती। बड़े बेशर्माती है, मतलब पेट भर के बेशर्माती। ऐसे काहे बोलते हैं उनके बारे में? अभी माफ कीजिएगा, पूरा शहर बोल रहा है। वो सब ये बोल रहे हैं कि वो आदमी जो जिसकी अब टावल उड़ गई थी हवा से, आई मीन दैट मैन एंड दैट इज तिवारी जी। आई मीन इतनी जिल्लत के बावजूद ये आदमी शॉप पे गया है। हैट्स ऑफ टू हिम, मैं उसको सलाम करना चाहता हूँ। बहुत ही कमजोर आदमी है। हमको भी ऐसा ही लगता है, हमको बहुत बुरा लग रहा है। कॉल करके बुला लेते हैं? नहीं 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 भाभी जी, कॉल मत कीजिएगा। लेट फेस द म्यूजिक, लोगों की दुनिया को फेस करने दीजिए और इससे क्या कि मजबूत होंगे, विल बी स्ट्रांग। कहाँ मजबूत होंगे, हमसे तो उनका हालत ही ना ही देखा जाता है। और जैसे टाबिल देखते हैं ना, ऐसे रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। oh, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं। पता नहीं कौन मनहूस था वो जो उनके साथ ऐसा हरकत किया। हम उनको दिल से बददुआ देते हैं, वो जहाँ भी हो, जहाँ भी खड़ा हो ना, उनके सर पर ईंट आके गिर जाए, ईंट। सब कोइंसिडेंस था, ये सब ये संजोग है, संजोग। बेचारे हमने लड्डू के भैया एक तो बदुआ और देते हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाए। ब्रेक ठीक करा ले अपनी। सॉरी सॉरी, क्या लेके? हाँ तो हम कहाँ बोल रहे थे, वो जो भी कोई किया है ना, उसके पीछे गली के कुत्ते पड़ जाए, खुजली वाले।
जैसा कोइंसिडेंस का बोले मीनल, मैंने इतनी बकवास भविष्यवाणी की है ना, उसके तो मुझे पूरा होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। यार मुझे तो लग रहा है कि ये मैंने जो टैरो कार्ड रीडिंग का बिजनेस शुरू किया है, ये शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। भाभी जी घर पर हैं। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने ना बहुत ही बकवास आपकी प्रेडिक्शन की थी। मैं अरे तिवारी जी, फेल मैं हुई हूँ अपनी भविष्यवाणी में, आप क्यों रो रहे हैं? भाभी जी माफ कीजिएगा, आप फेल नहीं हुई हैं। हाँ? फेल तो सरे बाजार हमारी इज्जत हो गई। फेल सरे बाजार आपकी इज्जत हो गई? मतलब समझ तो हमारे भी नहीं आया भाभी जी कि कब कब हमारे तौली के पर लग गए और वो विदर्द किसी आवारा पंछी की तरह हमें छोड़ उड़ लिया। क्या गोल 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 बात घुमा रहे हैं, डायरेक्ट बताइए ना क्या हुआ। हुआ यूं भाभी जी कि हम जो है नहा धोकर तौलिया लपेट कर अपनी बालकनी में आए, अचानक आंधी का तेज तेज झोंका आया और हमारे तौलियों को ले उड़ा, हम निर्वस्त्र खड़े रह गए। What? हम एक पल को यूं महसूस हुआ जैसे हम झरने के नीचे नहाती हुई कोई सुंदरी है। लोग हमें देखकर सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और जाने क्या क्या। ग्रेट? यहाँ हमारी इज्जत उड़ गई भाभी जी, आपको आपको ग्रेट लग रहा है? नहीं मतलब आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसका मुझे बहुत दुख है। तिवारी जी मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी भविष्यवाणी सच निकली। इसका मतलब ये है कि मैं इंडिया की सबसे बड़ी टैरो कार्ड रीडर बन सकती हूँ और मेरा बिजनेस भी चल सकता है। और कुछ प्रेडिक्शन करूं? अरे तो पिछले एक महीने से देख रहा हूं, तो बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से साफ सफाई करते हो। रियली प्राउड ऑफ यू, गुड बॉय। देखो कोने में वहां पे हमारे घर के पास बड़ा कचरा है, जरा वो साफ कर देना। कीप अप गुड वर्क। Keep up. Yeah. मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। भाभी जी क्या बात है, आपके चांद से मुखड़े पर काली घटाओं की कुछ परछाइयां छाई हुई हैं और आपके गालों की लालिमा भी कुछ ज्यादा दिलकश नहीं लग रही भाभी जी, आर यू ओके? इका लंबा सा बोल गए, कुछ समझ ना आया हमरी। अभी जी इतना सा बोल रहा हूँ कि आपके चेहरे पे उदासी है, होठों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है और आपकी आंखों में नमी है। आना ही अच्छा था, शेर तो अच्छा था लेकिन कुछ समझ ना ही आया। और अभी हम में ताकत भी ना आई है कि हम आपको आदाब और वाहवा और ये सब करे। हाँ अभी तो एक छो ही बात बोल सकते हैं आपको, अकी तकिया ला। अभी तकिया ला नहीं होता, वो तकलिया होता है, तकलिया। सही पकड़े हैं। अभी हमको अकेला छोड़ दीजिए। हाँ बस चाहिए अभी। अभी सारी भागदौड़ इस बात की है कि आपका साथ मिल जाए और आप कह रही है कि अकेला छोड़ दें। अका बोले। मैं कहा भाभी जी अकेला क्यों छोड़ दूं आपको, व्हाई? अका है कि हम लड्डू के भैया के दर्द की वजह से ना पहले से ही बहुत परेशान है। हाँ भाभी जी उस आदमी ने जिंदगी में लोगों को सिर्फ दर्द दिया और कुछ भी नहीं दिया। का बोल रहे हैं आप? यहाँ आपको पता है वो कितने दर्द में है, वो हादसे से उबर ही ना ही पाए हैं। रात को नींद में उठ उठ कर चिल्लाते हैं, उड़ गया हमारा टाबेल उड़ गया। भाभी जी डोंट वरी, इट्स अ फेज, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पता ना है कब ठीक होगा, हम तो बहुत परेशान है उनका ये हालत देखकर। हाँ उस शैतान ना जिसने ये सब भी किया है, उसको हम छोड़ेंगे ना ही, उसको हम कभी माफ ना ही करेंगे, जिसकी वजह से हमारे लड्डू के भैया इतने डिप्रेस में चले गए। अभी जो डिप्रेस होता है। सही पकड़े हैं। आपको पता है कितने उदास है वो, उसको तो हम सच में कभी माफ ना ही करेंगे, उसको बद्दुआ देते हैं कि उसके माथे पर कचरा आकर गिर जाए, कचरा। Why not? Sure.
नहीं क्या बदतमीजी है बे? हैं? कूड़ा फेंक रहे रोड के ऊपर, झाड़ू लगा दिख नहीं रहा, झाड़ू लगा रहा है आदमी, बदतमीज लोग। बच्चे बस साफ करो चित्र। तो अभी जी क्या कह रही थी आप? उनको हम बद्दुआ देते हैं क्योंकि पिछवाड़े में ना डंडा घुस जाए, डंडा। हो सकते हैं? हो सकता है, why not? आप तीसरा कुछ बोल के देखिए, अब नहीं होगा। हम बद्दुआ देते हैं कि उनका मुंह काला पड़ जाए, काला। भाभी जी कम मांगे सो फनी, यहाँ मुंह काला कैसे होगा? हैप्पी होली, होली है भैया, होली है, हैप्पी होली। I like it. बताइए होली है नी, होली मना गया। मैड जैसा कोइंसिडेंस, संयोग मात्र है ये। एक बात और बोल कर देखिएगा। गोरी मैम घर पे हैं का? अरे हापू सिंह जी आइए आइए ना। अरे जो का चल रहा हूँ। अरे दादा गोरी मैम, हमें पता चलो है कि आजकल आप कछु वो प्यारो कारण वगैरह देख रही हो। तुम्हारे की हापू सिंह जी, वो प्यारो कार्ड नहीं टैरो कार्ड होता है। अच्छा अच्छा, हाउ हाउ, वो हमारी तनख सुनने में गड़बड़ी हो गई हुए, लेकिन वो जो भी हो, हमें जो भी पता चलो है कि बासे आप आदमी को भविष्य देखती हो। अरे ऑफ कोर्स, आपकी भविष्यवाणी कर सकती हूँ मैं। गोरी मैम तो फिर हमारा भी उद्धार कर दो, तनक हमें जो बताओ हमारी तरक्की कब होगी, जब से आई है बस एक ही पोस्ट में लगी है, और ये सारे तीखी लट हमारी जो साथ की है ना, ये हवलदार रहते पहले, भी सारे हमसे आगे बढ़ गए, अब हमें उन्हें सलाम ठोकने पड़ते हुए हमें बुरा लगता है। That's really sad, हप्पू सिंह जी, बुरा लगा मुझे सुनकर। तो फिर हमारे नाम को भी एक बढ़िया सु कारण निकालो जैसे हमारी तरक्की हो जाए। अरे हप्पू सिंह जी मैं भविष्य देखती हूँ, बनाती नहीं हूँ। भैया विभूति की तो बना दी, नहीं तो ससुर लंगूर के हाथ में अंगूर कहाँ से आ गो? कमीने तेरा मैं खून पी जाऊंगा जी। ना ना हम कह रहे कि आप बताओ फिर हमारा उद्धार कैसे होगा, मतलब हमारी पोस्ट बढ़ेगी कब? चलिए ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कार्ड निकालने के 500 रुपए लगेंगे। हाउ हाउ लियो लियो, सुबह सुबह मिली थी निछावर, जो ले लो 500 को, लेकिन बढ़िया भविष्य बताओ। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, करते हैं आपकी भविष्यवाणी। भगवान इक्को आ जाए, इक्को इक्को आ जाए बस। एक पत्ता खोलिए। गोरी में आप ऐसे हंस रही? हंस काय रही? अपू से आपका कार्ड ही ऐसा निकला, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, कालिखू तो ना बहुत जल्दी तरक्की हो रही का ससुर। कालिखू बताओ बताओ, कमिश्नर बन रहे का? बताओ। दरअसल आपकी नौकरी के बारे में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन इस कार्ड के मुताबिक आपको ना कुछ दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, और अगर आप घर से बाहर निकले भी ना, तो आपको अपने सर पे टोपी या फिर रेनकोट या छतरी या हेलमेट डाल के निकलना चाहिए। खैगुरी मैम आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं खोपड़ी के ऊपर बरसात होगी। बरसात होगी अप्पू सिंह जी, बरसात होगी, लेकिन एक अलग तरह की बरसात। मतलब समझी ना? एक्चुअली इस कार्ड में लिखा है कि कुछ पक्षियों का झुंड आपके सर के ऊपर से निकलेगा और अपना पेट साफ करके चला जाएगा। अरे दादा युक्ता बता दी गोरी मैम,
हम तो अपने सोचो सपने सच करने आए थे, 500 की हरी पत्ती भी दी आपको और आपने पक्षियों की बीज करवा दी। अब मैं क्या करूँ, आपकी किस्मत में ये लिखा है। अब नहीं है 500 रुपये, अब हम चल रहे फिर मजू ना आओ। अरे दादा चल 500 रुपीज की कमाई तो हो गई। अनु ने जो कहा है वो तो सच होके रहेगा। अब आप उसी देखना कैसे पंछियों का झुंड तुम्हारे सर पर अपना पेट खाली करता है। एक्सक्यूज मी टीका की दीदी कहाँ जा रही। अरे बोल भैया टीका की दीदी। अपू से ना अभी तक यार। यार वैसे वो दही का लठना इसी गली से जाएगा तो फिर कहाँ अटक गया वो भुतनी का। यार यार मुझे बदबू सी आ रही है, लगता आगो यार। अरे वाह यार बड़ी लंबी उम्र ऐसी याद कर रहे थे। और भैया क्या चल रहा है और जो बताओ, कछु कमी तो ना रही मतलब। देखो आए हाय कसम से कह रही हूँ छोरियां छलांगे लगा दें छत पे से। हाँ। कयामत लग रहा है कटार बिल्कुल। वैसे जे तो बता दे यार सच दच के सवारी कंगे को जा रही। अरे अरे कछु ना वो आप काटू आज पुलिस डिपार्टमेंट को तनक प्रोग्राम है, फंक्शन है, पार्टी है और आएंगे नेता, तो हम सोच रहे कि पार्टी के शासक कोने में ले जाके एक एक जब चल रहा हो वो अपनी तरक्की की बात कर लेंगे। यार कहीं से ना कुछ काला मिल जाए तो मैं हप्पू का मुंह काला कर दूं यार। मेरा मतलब है काला टीका लगा दूं नजर का। कसम से कह रहा हूं मैं जो मेरे यार पे जो पंछी हल्कों के गए ना सारे मैं वहां के गर्दन पकड़ के मरोड़ दूंगा सारे। गुस्सा खराब कर मेरे दोस्त पर यार। अपनी यार वो सब तो ठीक है लेकिन भैया तेरे सारे कपड़े गंदे आ गए यार और वैसे भी ना मात्रा कुछ ज्यादा ही निकल गई है गई। भैया एक काम कर घर जाकर ना अपने कपड़े बदल कर आ जा जल्दी से। अबे बकवास कर रहा है तू, तुझे इस बात का ध्यान भी है कि जब पक्षी कृपा हो गए ना तो वो शुभ मानी जावे। आपको बिल्कुल बदलने की जरूरत ना है, कुछ भी नहीं बदलेगा तू, ऐसी जागा। हम तीनों दोस्तों की दुआएं तेरे साथ है मेरी जान, यूं करके तेरा काम बन जाएगा यूं करके। क्या कह दे जाने ओ अब ना कहिए कछु, एक शब्द ना कहिए तो ना चाहे जितनी किल्ली उड़ जाए हंसी उड़ जाए पार्टी में। अब हम ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही होगी सारी तरक्की। बढ़िया यार मेरे दोस्त, हम कल रहे ना रहे मगर हमारी दुआएं तेरे साथ हमेशा रहेगी यार। दुआएं साथ कैसी बातें कर रहा हो जो अपनी मेरा यार टीका ना एकदम सही कह रहे हो। हमने एक आदमी से ना पैसे उधार लाए है और वाले बोलो है कि शाम तक 5,000 रुपये ना दे तो तीन को जान से मार देगो। अरे भैया अरे ओ अरे यार ये फालतू की बात ना करो यार, सारे इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई दोस्त से अपने। सुनो वो मांग रहो सारू धी को लट लियो आहा सारे सुनो जी पकड़ो पहले पकड़ो हमारी बात कान खोल के सुनो सारे के मुंह पे मारियो। God. Thank God, भाभी जी नहीं है। अब झेलने की हिम्मत नहीं है मुझमें, पता नहीं कौन सी मनुष्य खड़ी थी कि मैंने वो ब्लोअर चला दिया और उनकी टॉवल उड़ा दी तिवारी जी की। यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिश्रा जी हाँ ऐसे क्यों बैठे हुए? नहीं ऐसे बैठो। अच्छा वही कब्ज की प्रॉब्लम को? बस थक गया जा रहा था रास्ते में
बरबूती जी कहा है कि हमको ना कुछ पूछना था। पूछना है? पूछिए। आपकी नजर में कौन अच्छा लेडीज दर्जी है का? तो आप ये पूछना चाह रही थी? हाँ। तो पूछिए ना, why not? कहा है कि हमारा दर्जी भाग गया है। दर्जी भाग गया है? उस उल्लू के पिल्लू को इससे बेटर काम नहीं मिलेगा जिंदगी में, और वो भाग गया है, बड़ा अजीब आदमी है। हाँ, क्या बोले? हाँ भाई जी, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, कोई मिल जाएगा तो वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो I'll do the needful. क्या बोले? भाई मैं प्रणाम। आ खुश रहिए। भाई मैं तिवारी भैया कैसे हैं? निकले कि नहीं सदमे से? मैंने इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है जब भी उनके बारे में सोचता हूँ। इससे ज्यादा बुरा भैया और क्या हो सकता है किसी के साथ भैया, जो उनका I like it. बेचारे खून के आंसू रो रहे होंगे, पूरे मोहल्ले में हर आदमी ने उनको जिस हालत में देख। निकलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए निकलिए। I like it. निकलिए। I like it. ये तो मजे ले रहा है। जी मुरमुरे तो खाने के लिए होते हैं, वो मेमोरी होता है। सही पकड़े हैं। देखिए भूल जाइए, रात गई बात गई, फिकर अबाउट नहीं। ऐसे कैसे किया रात गया बात कुछ ना है। क्या बोले? वो जा भी खड़ा हो ना, और पीछे से एक तो औरत आया और जोर का एक तमाचा मार के देव को। आई हेट यू राकेश। सॉरी, आप तो राकेश नहीं हो। भाभी जी, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, एक संजोग था। अच्छा बताइए कि आपको सिलवाना क्या दर्जी से, टेल मी। वो सब छोड़िए, हमको एक तो बात समझ नहीं आ रहा है कि बार बार आप ही के साथ काहे हो रहा है। हाँ भाभी जी, संजोग हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, और क्या है। नहीं नहीं, ये बात तो हमारी हजम ही नहीं हो रहा है, हम एक बार और करके देखते हैं। भाभी जी क्या करेंगी? देखिए हम उनको बद्दुआ देते हैं कि वो जहाँ भी खड़ा हो और जिस हालत में भी हो, पुलिस आए और उनको पकड़ के ले जाए। हाँ भाभी जी, इस बार आप रॉन्ग हो जाएंगे 100%। चल भी पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी, बूढ़ा है। अरे यार ये तो ज्यादा देखे भाई। हेलो, she's the best. You are under arrest. It's just coincidence. Sanjog. गोरी मैम घर पे हैं का? अरे आपोसन जी आइए आइए। अरे दादा, गोरी मैम वो आपको काटो तो हाँ, तेरो कार्ड कमाल कर गो, बहुत बढ़िया। तुम्हारे की वो तेरो कार्ड नहीं हापू सिंह जी, टैरो कार्ड होता है। हाँ हाँ, वो जो भी हो गोरी मैम, हमें क्या लगो कि जैसे वो मछली की आंखें निशाने की तरह सारे पक्षी ने हमारे सर पे अपने पेट की निशानी छोड़ दी हो। सच में ऐसा हुआ आपके साथ? वाह, मेरी तो प्रिडिक्शन सही निकली। क्या बताएं गोरी मैम, असल में टेस्ट हमें अच्छा लगो, वरना हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेती। छी, आपने वो टेस्ट भी कर लिया? ना, वैसे कछु ना करती, लेकिन काहे ससुरु सर पे ऐसे टपकू और टपक के धीरे धीरे नीचे हमें होटल तक आ गऊ। हमें ऐसा लग रहा था जी सारे पक्षी अबे कोनो फैक्ट्री से आ रही है, कोनो आइसक्रीम वाली फैक्ट्री से चाट के आ रहे हैं सारे, यानी पेट भर के टेस्ट लगू, हमें वनीला लग रहा हूँ तू। प्लीज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खैर तो भी हो गोरी मैम, हम बड़े खुश, मतलब हम यही से आए थे ड्यूटी छोड़ के आपको बधाई देने, कमाल को कार्ड काम कर रहा हूँ, अब हम चल रहे हैं, हमें ड्यूटी भी जाने, हम जा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू, आई एम टू गुड। हेलो अनीता जी। अंगूरी जी आइए आइए।
कहिए कैसे आना हुआ? का बताए अनीता जी, का बताए, हम बहुत तानसेन में है। हमरे जिंदगी में ना कुछ भी ठीक ना ही चल रहा है। अच्छा हम कहा सुने कि आप कुछ पत्ते वत्ते देख कर भविष्य बता रहे हैं। अच्छा देख के बताइए ना कि हमरे फर्नीचर में का है। अंगूरी शायद आप फ्यूचर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अच्छा देखिए ना। ऑफ कोर्स अंगूरी जी, जरूर आपका भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। उठाइए पत्ता। ओ नो, अरे क्या हुआ? आपका शक्ल देखकर तो लग रहा है कि हमारी जिंदगी में बहुत रायता फैलने वाला है। अंगूरी जी अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक्चुअली सच में रायता फैलने वाला है। क्या होने वाला है? इस टैरो कार्ड के हिसाब से आपके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहता है। कहा पड़ोसी को? कहा मैं कैसे बताऊं अंगूरी जी, इसमें लिखा है कि आप उसके गाल पे तमाचा मारने वाली हैं। क्या बोल रही हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ अंगूरी जी, ये तो आपको टैरो कार्ड कह रहा है। लेकिन हमरे सामने तो आप ही लोग रहते हैं। तो इसका मतलब पार्वती जी को? ओह गॉड, अब मैं क्या बताऊं, आपके टैरो कार्ड में तो यही लिखा है, मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? और पता है मेरी भविष्यवाणी तो हमेशा ही सही निकलती है। बुआ बे बू। अभी जी। आप अर्बुदी जी, आइए बैठिए। चाय वाय पियेंगे? दरअसल भाभी जी, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। क्या गुनाह कर दिए आप? एक्चुअली जो तिवारी जी का टॉवल उड़ा था ना, वो एक्चुअली वो तो बहुत बहुत ही बुरा हुआ था हमरे लड्डू के भैया के साथ, जिसने भी वो किया था ना। ओके भाभी जी, बस प्लीज प्लीज बद्दुआ मत दीजिए, बद्दुआ मत दीजिए। मैं ये कन्फेस करने आया हूँ कि वो टॉवल मेरी वजह से उड़ा था, मतलब मेरा उसमें हाथ था। हल्ले देख 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 भाभी जी, भाभी रुक, भाभी रुक, भाभी रुक, भाभी रुक, आपकी वजह से साला हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पता है आपको? साला ऐसी की तैसी हो गई, साला हमारा गिर गई हुआ, आपको कैसे पता है साला? आपको पता है हमारी कच्चे बदन की शॉप की दीवार के बाहर लोगों ने क्या क्या लिख दिया पता है? क्या लिख गए? शीशी भरी गुलाब की फूटेगी तो जुड़ जाएगी, तिवारी अपनी इज्जत संभाल हवा चली तो उड़ जाएगी। वाह वाह, देखिए तिवारी जी दिल मत लगाइए, लेकिन जो जो शेर लिखा है ना उसने कमाल लिखा, बड़े बड़े मौजू पे शेर लिखा। ऐसी आपकी सलाम को खून पिलाएंगे, समझे ना? का करे लड्डू के भैया, का करे? हम एक बार पूछ तो लीजिए ना कि काहे वो ऐसा किए, काहे आप ऐसा किए हमरे लड्डू के भैया के साथ? एक्चुअली क्या भाभी जी, मेरा जो पेडिस्टल फैन है ना वो खराब हो रखा था, वो मैं फैन को ठीक कर रहा था और बदकिस्मती से तिवारी जी टॉवल पहन के सामने आ गए, मेरे से वो फैन का बटन दब गया, हवा चल गई, तिवारी जी का टॉवल उड़ गया, पत्ते खुल गए और जो हुआ वो सब इतिहास था। और हम जो ऐतिहासिक रूप से बदनाम हुए उसका क्या सर फोड़ देंगे? वो अभी बोले ना कि उनसे ना गलती से हो गया, जानबूझकर तो ना ही किए ना वो। बस अब शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, वैसे भी माफ करने वाला ना बहुत बड़ा होता है। सो वेरी वेल सेड। ठीक है, हमारी बीवी कह रही है इसलिए माफ कर रहे हैं, समझे ना, नहीं तो आपका ना तिया पांचा एक कर देते हम अभी। आपका माफ करना इम्पोर्टेंट नहीं है भाभी जी, ये बताइए कि आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया? आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ वंस अगेन, और भाभी जी मुझे बद्दुआ देना बंद कीजिए प्लीज प्लीज। भाभी जी ने माफ कर दिया। बीस लाख लाइक्स। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। दिवारी जी आप तो सेलिब्रिटी हो गए, न्यू सेलिब्रिटी। सॉरी। अले डिक्की भैया आप फेमस हो गए।